हेलो दोस्तों, वन्नू लेडीज टेलर में स्वागत है। आज मैं सिंपल से सूट का कटिंग आप लोगों को बताने वाली हूँ, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा सूट कैसा लगा। अपने लिए सूट लिया है और आप लोगों को कटिंग करके दिखाऊंगी कि ये सूट कैसा कटिंग होता है, घर पे खुद कैसे कटिंग कर लेते हैं। ये है उसका दुपट्टा, बहुत दुपट्टा अच्छा लगा इसके लिए लिया, और उसका पैंट है ये, और ये सूट। तो देखिए, आप लोग को ध्यान रखना है, ये है आगे का पार्ट और ये पीछे का। तो कटिंग करने के टाइम जब हम आगे का नेक गला डिजाइन कटिंग करेंगे तो आगे का कट करेंगे, पीछे का नहीं, पीछे का अलग करके कटिंग करेंगे हम लोग। पहले कपड़े को उल्टा कर लेते हैं, अपना ये जो है बॉर्डर इसको निकाल लेंगे, नहीं तो कटिंग करने के टाइम शेप में कटिंग हो जाएगा। तो ये देखिए, कपड़ा को दो फोल्ड कर ली हूँ, ये पीछे का भाग है और ये आगे का है। आगे का भाग में ये गला का डिजाइन बना हुआ है तो हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के टाइम यहाँ पे देखना है कि फूल दोनों साइड बराबर है ना, गले का भी। इधर से भी देख लेना है कि मोड़ में भी ज़्यादा ये तो नहीं है ना, तो ऐसा ऐसा कपड़ा खींच के बराबर कर लेते हैं। लंबाई लेंगे हम, जितना आपको लंबाई चाहिए उतना इंच आप ले लेना। तो मैं अपने लिए 40 इंच लंबाई ले रही हूँ, ऐसा करके निशान बना लेना है। इंची से आप लाइन खींच लेना। गले चौड़ाई 2.5 इंच, कंधा चौड़ाई 6 इंच, सीना चौड़ाई 11 इंच, 2.5 इंच, 6 इंच, 11 इंच। ऐसे ही हम 11 इंच का निशान लगा लेंगे। कमर लंबाई 14.5 इंच, लाइन खींच लेते हैं। पंखा लंबाई 6.5 इंच, फिर कमर सिर्फ 1 इंच। इधर हमारा आगे का गला है ये 6 इंच, शेप बना हुआ है, शेप बनाने की जरूरत नहीं है।
फिर यहाँ से भी 1 इंच शेप लेंगे। कमर से इसको आगे से ये शेप दे देते हैं गोल में। अब नीचे का घेरा जो है हम लोग का, आपको कितना चाहिए, 13 इंच 11 इंच, जितना चौड़ा चाहिए कम चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ 14 इंच। इस कमर शेप से घेरे के पास यहाँ 1 इंच लेते हैं, 14 इंच का हाफ, 7 इंच उसके बीच में थोड़ा शेप दे देते हैं, लाइन दे देते हैं। फिर वहां से शेप, घेरे के शेप से और कमर से लाइन खींचते हैं। सूट का कट लगाएंगे हम, साइड का जो कमर का कट रहता है साइड का। हम 19 इंच लगाते हैं कट, 19.5 इंच। अब कटिंग करेंगे, पूरा हमारा मेजरमेंट रेडी हो गया है, अब कट करेंगे। एकदम आसान तरीका है, इजी है, आप घर पे सिल सकते हैं। यहाँ पे जो कट है उसको कट कर ले देंगे थोड़ा, कि बाद में सिलने के टाइम मालूम पड़े कि कट है यहाँ पे, थोड़ा कट कर लेते हैं। ये हमारा कट हो गया, सूट कटिंग हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे पीछे के गला, तो इसको ऐसा ओपन करेंगे, ये आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। आगे का गला डिजाइन अलग है, पीछे का अलग है, तो कट कर लेंगे हम। ये आगे का है, इसमें डिजाइन बना हुआ है। ये पीछे का गला है,
आपको कितना लंबाई चाहिए सूट का, पीछे का गला का लंबाई बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। 4 इंच 5 इंच हम लेते हैं, 9 इंच क्योंकि मुझे गला बड़ा चाहिए। और हम इधर शेप देंगे, ऐसा शेप दे देंगे, पर अभी कटिंग नहीं करेंगे हम क्योंकि कपड़ा गले का। तो हमारा सूट कटिंग हो करके रेडी हो गया है। ऐसे ही आप लोग भी घर पे ही कटिंग करके अपना सूट सिल सकते हैं, बहुत आसान है। बाह वो इसमें कटिंग कर ले सकते हैं, ये जो है इसमें से बाह निकालेंगे, गला पट्टी जो है सब निकालेंगे। तो हमारा सब रेडी हो गया है, आपको सूट कटिंग करके दिखा दिया कैसे कटिंग करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।